जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशली होने वाला है टीए भर्ती के बारे में। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर जो बैठे हैं कि जो टीए भर्ती फाइनली जो उस डेट को होने वाली है, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, टीए भर्ती फाइनल गलत थी जो बंदे बोल रहे हैं और जो भी आपने देखा है थंबनेल में हो जो भी, क्योंकि मैंने जो आपको ऑफिशियली जानकारी शेयर की है कई वीडियो में, मैं आपको यही बोल चुका हूँ कि जो सेना भर्ती कहीं ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अनाउंस करती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो मैंने 10 मार्च को ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि सेना भर्ती वो कैंसिल है और वो फेक नोटिस है, क्योंकि कोई भी भर्ती या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर देखने को मिलेगा। और मैंने आपको 10 मार्च को ही मैंने अपडेट कर दिया था। और जो इससे पहले भी कई वीडियो में आपको बोल चुका हूँ कि जो सेना भर्ती का कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 10 मार्च को मैंने आपको लगभग सभी के और जो व्हाट्सएप है और सब भी जगह मैंने आपको यही डाल दिया था कि ये जो सेना भर्ती पिथौरागढ़ में होने वाली वो लगभग फेक है। सेम ऐसा ही है जो कुछ लोगों के कहने पे जो कोई बंदे और जो वहाँ सेना भर्ती को अटेंड करने के लिए चले गए। मैं आपको एक बंदे या दो बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर 100,000 बंदे जो इस भर्ती में अटेंड करने के लिए वहाँ चले गए, उनका पैसा वेस्टेज हुआ, टाइम वेस्टेज हुआ और आने जाने में बहुत सी दिक्कतें आई होंगी। यानी सब लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हुए, कुछ लोगों की वजह से वीडियो बना दिया कोई मतलब नहीं है। वीडियो बनाने के बाद भी जो उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या बदलाव है क्या चेंजेस हुआ, तो आपको वीडियो बनाना चाहिए कि जो हाँ वो सेना भर्ती गलत है। वीडियो बनाने और छोड़ दिया उसका मतलब कोई मतलब नहीं है। वो यदि आपने जो सही जानकारी दी है तो या कोई चेंजेस हुआ या कोई बदलाव हुआ तो आपको वापस अपडेट करना चाहिए कि हाँ वो गलत है, वो चीज़ गलत है। मैंने 10 मार्च को ही ये जो अपडेट कर दिया था सभी भाइयों को कि मैं वो भर्ती फेक है। और जो कई वीडियो मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ कि जो कोई ऑफिशियली जानकारी आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सेम ऐसा ही अपने जो JDE अकेडमी हो या जो सीओम भाई ये बोल रहे हैं सीओम फोर्सेज इनकी अकेडमी हो, यानी बहुत से बंदे जो आपकी अकेडमी को लेके उत्साह होते हैं कि हाँ उसमें मेरा सिलेक्शन होने वाला है या उसमें मैं तैयारी करने जाऊँगा। सेम हज़ारों बच्चे, और मैं भी जो यही बोलना चाहूँगा कि यार सब लोग जो यही चाहते हैं कि हाँ एक ऑफिशियली चैनल है, एक डिफेंस का चैनल है, तो जो सब लोग इस चीज़ पर ट्रस्ट करके सेना भर्ती को अटेंड करने के लिए वहाँ गए हैं, लेकिन उनका टाइम भी वेस्टेज हुआ, पैसा वेस्टेज हुआ और जो इसके साथ में आने जाने की बहुत सी दिक्कतें हुई है। उनके जवाबदार उनके जो करने वाले भी कौन रहेंगे, और इसका जो मेन मुद्दा है कि जो इसका पैसा वेस्टेज हुआ उनका क्या रहेगा। आपने वीडियो बना दिया उसके बाद में कोई अपडेट नहीं किया, कोई चैनल पर जो वीडियो नहीं डाली कि जो सेना भर्ती वो फेक है, वो चीज़ फेक है, ऐसा क्यों? आप जो यदि एकदम ऑफिशियली जानकारी थी तो आप डालना चाहिए। और एक नंबर है जो वापस है जो आपको अपडेट करना चाहिए चैनल के साथ कि हाँ ये चीज़ है। ये देखो चैनल जो बना दिया चला रहे हो ठीक है, लेकिन जो बंदे देखने वाले हैं वो जो वीडियो चल रही है वो अभी भी चल रही है आपकी, ऐसी बात नहीं है जो आपने वीडियो बना दी छोड़ दिया तो आप भूल गए, आपकी जो वीडियो चल रही है बहुत से बंदे जो इस चीज़ को लेकर देख रहे हैं। और जो आपके कमेंट भी बहुत गलत गलत आ रहे होंगे आज की डेट में सेना भर्ती वो कैंसिल है और जो वहाँ पे कोई भी भर्ती नहीं हो रही है। अभी मैं जो एक आर्मी एक्स जो एक्स मैन सर्विस मैन से जो है कोई बंदा है सर हैं उनके वहाँ से मुझे वो वीडियो सूचना मिली है और वो बोल रहे हैं कि जो करेक्ट है सेना भर्ती वहाँ पे बिल्कुल नहीं है जो पिथौरागढ़ में होने वाली है, और वो वहीं से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ सेना भर्ती यदि होती है तो मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने के माध्यम से भी जो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और मैंने आपको कई वीडियो में यही चीज़ बोली है कि कोई जब तक ऑफिशियल चैनल पे या ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक मैं आपको साथ शेयर नहीं करूँगा ये चीज़ कि 100% सही है। और मैंने वे जो 10 से 12 दिन पहले ही मैंने आपको ये बोल दिया कि जो फाइनली वो भर्ती कैंसिल है, इस चीज़ पर बिलीज ना करें और जो इस चीज़ को जो अपना पैसा वेस्टेज करने का वो इस भर्ती में नहीं जाए। पर हज़ारों बंदे जो कुछ लोगों के कहने से और कुछ कहने से बंदे उससे जो भर्ती को अटेंड करने चले गए, पर उनका जो टाइम वेस्टेज के साथ में बहुत सारा जो दिक्कतें आई हैं उन सभी का जो जिम्मेदार कौन रहेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आपने चैनल के साथ में जो कोई ऐसे बोला था कि जो सेना भर्ती वापस से जो कुछ होगा या बदलाव या सेना भर्ती नहीं हो रही थी उसके बाद में आपको कुछ अपडेट किया होगा? मेरे तो जो भी चैनल पर मैंने बहुत सी वीडियो देखी लेकिन ऐसा कोई भी आपको बदलाव नहीं मिला है, नहीं कुछ मुझे देखने को मिला है आपके साथ। यदि आपको जो गलत थी तो आपको वीडियो प्राइवेट करनी चाहिए, डिलीट करनी चाहिए। कुछ भी एक्शन आपने नहीं लिया अपने रजिस्ट्रेशन के लिए और अपने आने वाले जो अकेडमी बच्चों के लिए, आपने ये एक्शन ने जो गलत ले लिया आपने, जब गलत थी या कुछ ऑफिशियली जानकारी नहीं थी आपको चैनल के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और नई वीडियो अपलोड करनी चाहिए। खुद मैं अपना डिफेंस ओपन करता हूँ, डिफेंस से चल रहा हूँ और डिफेंस जो मेरी खुद की है और वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ
और जो अभी मेरा डिफेंस जो बंद है, तो मैं खुद अभी भी चैनल पे जो वीडियो डालता हूँ मैं एकदम और ऑफिशियली चैनल डालता हूँ, ऑफिशियली जानकारी डालता हूँ कि जो बच्चों का कैरियर खराब ना हो, टाइम के वेस्टेज और पैसे के वेस्टेज और जो आने जाने में बहुत सी दिक्कतें आती है, उस चीज़ को मध्यम नज़र रखते हुए मैं जो हर चीज़ अपडेट करता रहता हूँ, चाहे जो मेरी 6 महीने पुरानी वीडियो हो या 4-7 महीने पुरानी वीडियो हो, कितनी भी पुरानी होती है, लेकिन मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ पर डे के जो उस चीज़ का रिलेटेड या उस चैनल प्रति रिलेटेड कुछ न कुछ बदलाव है या कुछ भी चेंजेस है, क्योंकि मुझे जो ग्रीप फैमिली से बिलोंग करता है उससे जो बंदे को हर चीज़ पता होती है कि क्या है क्या नहीं, और जो बंदे जाएंगे तो कहाँ दिक्कत आएगी कहाँ नहीं है। जैसा कि मैंने अभी जयपुर का पूरा प्रोसेस मैंने आपको इसी चैनल पे, यानी जो अपना जो एसटीएम चैनल है जो सत्यम डिबेट सेकेंडरी, इस चैनल पे मैंने एकदम ऑफिशियली जानकारी शेयर की कैसे जाना है, कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ पैसे कम लगाने हैं और कहाँ पे जो आने जाने में दिक्कत होती है। ये चीज़ मैंने लाइव लोकेशन के साथ में लाइव जो चीज़ें आपके साथ शेयर की थी और उससे बहुत से बंदों का फायदा भी हुआ है ऐसी चीज़ से। तो मैं जो आपके साथ जो हमेशा जो पॉजिटिव सोच के साथ में हर चीज़ पॉजिटिव ही जो शेयर करता हूँ, जो गलत चीज़ें कभी भी वायरल नहीं करता, कभी गलत चीज़ें जो यदि गलती से हो जाती है तो मैं आपको आने वाले जो टाइम में या जो उससे थोड़े दिन पहले ही मैं आपको अपडेट कर देता हूँ वो सेनापति गलत है, वो चीज़ गलत है। और जो हर वीडियो में लगभग डिस्कस करता रहता हूँ कि जब तक ऑफिशियली नोटिस आता है तब तक मैं आपको साथ शेयर करूँगा, बाकी अदरवाइज कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। ये चीज़ बोलना चाहूँगा और उन सर को भी बोलना चाहूँगा कि यार जब आपने ये चीज़ देख ली थी और जो गलत थी तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर देनी चाहिए या जो डिलीट कर देनी चाहिए या जो अपने चैनल पर कोई ना कोई वीडियो डाल देनी चाहिए कि जो वो चीज़ है वो गलत है। वो चीज़ सर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी जो मुझे देखने को नहीं मिला। यार कहीं कहीं बच्चे जो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और अभी आज भी है जो प्रेजेंट टाइम में जो सेनापति को अटेंड करने के लिए बंदे जा रहे हैं, तो कहीं कहीं उनका जो टाइम भी वेस्टेज हो रहा है और पैसे भी वेस्टेज हो रहे हैं, तो ये इसका जिम्मेदार कौन रहेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सभी दोस्तों को यही चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी जो पिथौरागढ़ में होने वाली भर्ती है तो मैं आपको एकदम करेक्ट बता रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी बंदा मत जाना कि फेक है, वो नोटिस तो जो वायरल हो रहा है जो बहुत गलत है और जो कुछ लोगों की वजह से जो वो वायरल हुआ है, ठीक है। बाकी जो जो भी बंदे जा रहे हैं उन सभी को जो एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मत जाना, अपना पैसा और अपनी जो टाइम वेस्टेज और जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना, बस जो कोशिश है को सेना भर्ती तो आएगी आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन वहाँ पर मत जाना क्योंकि भी सेना भर्ती नहीं होने वाली है। और जो वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी ये जो आपको अपडेट कर दिया है कि वहाँ की सेना भर्ती नहीं हो रही है, मैंने जो कुछ लोगों के वहाँ पे देखे हैं ऐसी नोटिस और बहुत से बंदे जो मैसेज भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि सेना भर्ती वहाँ से नोटिस से जो लगा रखा है, तो सेना भर्ती वहाँ पे कोई नहीं है, गलत है और जो कोई अपडेट नहीं है वहाँ का और जो वहाँ पे सेना भर्ती नहीं हो रही है, तो अपना टाइम वेस्टेज के साथ अपना जो कुछ और वेस्टेज ना करें, पैसों की बर्बादी और सब चीज़ की बर्बादी हो जाएगी। तो इस चीज़ को मध्यम नज़र रखते हुए सर को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि फ्यूचर में ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो आपने वीडियो डाल दी तो आज नहीं तो कल वो हर बंदा देखेगा और उससे जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके और अकेडमी का ट्रस्ट करके बंदे जाएंगे ज़रूर, तो ऐसी गलती दोबारा मत करना सर कि ये चीज़ हो। आप भी जो एक डिफेंस से चलते हो और मैं भी खुद भी जो डिफेंस से ही हूँ, ऐसी बात नहीं है सर, दिक्कत जो आपको और मुझे सेम आती है और हर दोस्त को ये चीज़ दिक्कत आती है कि हाँ हमारे पर ट्रस्ट करके बंदा वहाँ जाता है तो जो कहीं कहीं उसका टाइम वेस्टेज होगा, पैसा भी वेस्टेज होगा। तो ये मध्यम नज़र रखते हुए सर जो आप यही चीज़ बोलना चाहूँगा आपको और शिवम सर को यही बोलना चाहूँगा कि फ्यूचर में आपने कोई भी वीडियो डाली है तो आपको वापस अपडेट करना है सेनापति के बारे में कि हाँ वो गलत है, वो चेंजेस है या कोई भी चेंजेस होता तो आपको डालना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि उस वीडियो से बहुत से बंदे जो दोस्त इस भर्ती में जाएंगे और जो गलती करेंगे ये। बाकी जो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सभी को मेरा जय हिंद है और तहे दिल से शुक्रिया है कि आपको ये वीडियो देखने को मिली और ये वीडियो पूरा देखे आपने, और जो बंदे जो मेरे चैनल पे है जो ऑफिशियली चैनल है आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हर भाई के साथ शेयर करें जिससे जो भर्ती की इंफॉर्मेशन हर भाई देख सके। और सभी को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, पिथौरागढ़ में भर्ती नहीं हो रही है, अपना टाइम वेस्ट दे और पैसे की बर्बादी ना करें और दलालों से विशेष करें जो सावधान रहे, कोई भी बंदा या कोई भी ऐसा बोले कि हाँ मैं जो भर्ती करवा दूंगा वो करवा दूंगा जो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, तो सभी से बोल रहा हूँ कि दलालों से सावधान हो जाएं क्योंकि जो सेना भर्ती जब आती है तो जो बहुत से दलाल एक्टिव हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ सावधान रहें और अपना और अपनी फैमिली का विशेषकर ध्यान रखें। सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।